वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वीडियो को रोक करके इन डिटेल को नोट करें जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे समीकरण सर्वसम का। टॉपिक को पूरा समझने के लिए क्लास को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। समीकरण यानी इक्वेशन एंड सर्वसम का आइडेंटिटी सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस प्रकार से एक आलू का प्रयोग आप समोसा टिकिया से लेकर के हर प्रकार की सब्जी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार ये समीकरण और सर्वसम का एक आलू की तरह है। चाहे आप टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो, टेंथ ट्वेल्थ में है, 7-8 में है, SSC बैंक रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक सभी के पाठ्यक्रम में होता है। इसलिए हर किसी को इस क्लास को देखना चाहिए। समीकरण होता क्या है, सर्वसमिका क्या होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे बट पहचानते नहीं होंगे। x2 + 3x + 1 ये क्या है, समीकरण है। xy2 + x = ये भी एक समीकरण है, इक्वेशन है। और ये देखो, ये सर्वसमिका है। देखिए साथियों, समीकरण का मतलब होता है कि यक्स का आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो दोनों पक्ष का मान बराबर नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि बराबर हो जाए। ये देखो जैसे जीरो है ना, लेकिन सर्वसमिका की एक खासियत होती है, अगर यक्स का मान कुछ भी रखोगे तो दोनों पक्ष बराबर आएगा, LHS RHS। ये हम आपको सिद्ध करके दिखा दें अगर आप कहें तो। चलिए मान लेते हैं, ये तो दो चर राशि में है, एक चर वाले में करते हैं। इसमें देखो, अगर आप यक्स का मान 1 रख दो तो क्या आएगा, मालूम है, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +3 × 1 यानी कि 3, और +1 यानी कि ये 3 × 2 = 5 बराबर 0। क्या आ रहा है, 5 बराबर 0, बराबर नहीं आया ना। लेकिन यहाँ देखो, एक रख के, एक रखोगे 3 का 1 में गुणा करोगे, 3 × 5, इसमें भी एक रखोगे तो ये भी 3 × 5, ये देखो 8 = 8 आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आया ना। इसका मतलब क्या है, ये है सर्वसमिका यानी कि आइडेंटिटी। अभी पूरा देखना। देखिए एक दूसरा एग्जांपल, जैसे इक्वेशन में है 2x² + 3x + 1 = 0 और आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमिका में है x − 3² = x² + 9 − 6x। इसमें यक्स का अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें यक्स का कोई भी मान रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर होगा, यही इसका मुख्य अंतर होता है। जैसे चलिए यक्स का मान उसमें हम 1 रखे थे, इसमें 2 रख देते हैं और आपको विस्तृत हल करके दिखाते हैं। तो ये देखो, यक्स का मान हमने क्या रखा है, 2 रखा यानी कि 2 रखा है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ये 3 × 2 = 6 और -1 बराबर 0, इसको जोड़िए तो ये कुल मिला के 15 बराबर 0 आया। लेकिन अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएगा, 2 − 3² = देखिए यक्स की जगह पर 2 रखा है, इसमें भी यक्स की जगह पर 2 रखेंगे और ये हो जाएगा 6 × 12, ठीक ना, ध्यान से देखना, पक्का समझ में आएगा। घटाएंगे, −1² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 9 − 12, देखिए अब प्लस जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा तो ये 9 × 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस वाला सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 13 − 12, देखो 1 = 1 आ गया, मतलब कुछ भी आप रख लीजिए इसमें बराबर आएगा, कोई भी गिनती रख लीजिए, लेकिन इसमें आप कुछ भी रखिए तो बराबर नहीं हो सकता है, भले कहीं एक आध जगह बराबर हो जाए, नहीं तो समीकरण जो है दोनों पक्ष कभी भी जो है यक्ष के किसी विशेष मान के लिए बराबर नहीं होता है। चलिए इसमें 5 रख के आपको दिखा देते हैं, देखिए अगर 5 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष बराबर ही आएगा, यही होती है सर्वसमिका की मुख्य पहचान, और ये है बीजगणितीय सर्वसमिका। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2² और ये हो जाएगा 25 + 9 − 6 = 30, ध्यान से देखना और पूरा क्लास देखना, मैं बार बार बताता हूँ, ये हो जाएगा 4, इधर देखिए प्लस प्लस जोड़ोगे 25 में 9 ऐड करोगे 34 − 30, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए 4 = 4 आ गया। कोई भी वैल्यू आप रख कर देख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आएगा। इसमें भी रख के ट्राई कर लीजिए, 5 देखिए, किसी को संकोच लग रहा हो कि 5 पे बराबर हो जाएगा तो वो भी अपनी शंका बुझा ले। देखिए 5 रखोगे तो 5 × 25 हो जाएगा, ठीक, और ये इसमें 5 रखोगे x की जगह पर तो 15 हो जाएगा, −1 = 0 और ये हो जाएगा 50 × 65, और सॉरी ये 65 नहीं होगा, 15 होगा और −1 = 0, सभी को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 66 = 0, बट दोनों बराबर नहीं आया, इधर 66 आया, इधर क्या आया, 0 आया। कुछ भी रखेंगे तो इधर बराबर नहीं हो सकता बट वो बराबर होगा, ये होती है पहचान। अब हम आपको दिखाएंगे
इनके प्रकार और इनके बारे में कुछ और भी जानकारी, इसलिए क्लास को पूरा देखना। ये है आपकी मैथ की मास्टर क्लास सभी के लिए, तो ये मत सोचना कि किसी विशेष के लिए है। देखिए अब समीकरण के बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, जो हिंदी कम समझते हैं वो लोग जान लें। समीकरण यानी कि इक्वेशन में ज्ञात तथा अज्ञात राशियाँ होती हैं। अब आप लोग कहेंगे ज्ञात और अज्ञात राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा यक्स और वाई, देखा होगा ना यक्स और वाई, और इनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या चर? इन्हें बोलते हैं चर, जो एक से लेकर के अनंत तक गिनती होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये सभी होती हैं अचर यानी कि कांस्टेंट। और ये जो यक्स वाई हैं ये हैं वेरिएबल, अर्थात ये दोनों एक्स और वाई क्या हैं, ये अननोन वेरिएबल हैं। अननोन वेरिएबल बोल सकते हैं मतलब अज्ञात चर, या फिर अननोन अमाउंट बोल सकते हैं एक प्रकार से। राशि का मतलब आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि अननोन अमाउंट या अननोन वेरिएबल, ठीक ना। एक्स और वाई देखिए, ये भी आपका द्विघात समीकरण है और ये भी क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है ना। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ये एक चर राशि में है और वो क्या है, दो चर राशि में है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों ध्यान से समझना है आपको, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पहला इक्वेशन एक चर राशि वाला समीकरण है, दूसरा दो चर राशि वाला है। यानी कि देखिए दो चर का मतलब, दूसरे में देखिए एक्स और वाई दोनों हैं, पहले में केवल एक्स है, इसलिए ये एक चर राशि वाला है। अब हम देखेंगे समीकरण के प्रकार, ध्यान से देखना। समीकरण जो मुख्य रूप से होता है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें सरल समीकरण होता है, सिंपल इक्वेशन होता है पहला। सिंपल इक्वेशन का मतलब जो एकदम बिल्कुल सिंपल हो, एकदम गाय जैसा। अभी देखिएगा कैसे, मतलब जैसे साधारण सा, एकदम भोला भाला, ये x प्लस वन ये क्या है, सिंपल इक्वेशन है। हाँ, इसमें जीरो भी लगा लीजिए, या फिर आप इसे एक तरह से और भी लिख सकते हैं y प्लस टू इक्वल जीरो, मतलब कोई घात वगैरह ना रहे, कोई तामझाम ना रहे, तो ये सिंपल इक्वेशन है। और द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ कि जिस समीकरण की अधिकतम घातें दो हों वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण एक चर राशि में द्विघात समीकरण है, और दो चर राशि में भी द्विघात समीकरण आप लिख सकते हैं। जैसे 2x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 1 इक्वल जीरो, ये क्या है, द्वि चर राशि में रैखिक समीकरण, या तीन चर राशि में, और सॉरी द्वि चर राशि में द्विघात समीकरण। चर राशि का मतलब यहाँ x और y से है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और ध्यान से देखना अगला जो कह रहा है, तीन घात समीकरण। तीन घात समीकरण का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अधिकतम घात तीन होनी चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब वाई प्लस 1 इक्वल जीरो, ये भी क्या हो गया, ये त्रिघाती समीकरण हो गया, लेकिन द्वि चर राशि में है। और अगर यही समीकरण ऐसे कर दें, इसमें से हम y को हटा दें, तो ये त्रिघात समीकरण तब भी हुआ, लेकिन ये वन वेरिएबल में है, ओनली एक्स में है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, इसमें तो द्वियों घात लगा है, तीनों लगा है, तो काहे त्रिघाती बोल रहे हैं, है ना, ये होगा ना। अगर इसमें आप एक और कुछ भी लिख लीजिए, चलिए इसको यहीं रहने दीजिए, मत कुछ करिए, दूसरा आपको लिख के दिखा देते हैं। अगर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स की पावर 4 है और प्लस 3x की पावर 2 है, या यहाँ पर 3 लिख लीजिए, तो इसे कौन सा घात का समीकरण बोलते हैं, पता है, इसे बोलते हैं यन घात का समीकरण, या फिर चतुर्थ घात का समीकरण। मतलब जो घात अधिकतम होती उसको लिया जाता है, बाकी छोटे मोटे जो हैं उनसे नहीं मतलब है। कि यहाँ पर दो घाती भी है, तीन घाती भी है, तो इसे सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ नहीं बोलेंगे, जो अधिकतम घात होगी उसी को क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा, यानी कि द्विघात समीकरण है या तीन घात समीकरण है। जैसे आप देखते होंगे घर में जो नाम होता है पूर्वजों के नाम पर लोग जानते हैं, और लड़के बच्चे कितने उनसे मतलब नहीं होता है, मतलब समझ गए ना। उसी तरह से अब आप देखेंगे यन घाती समीकरण, यन घात का मतलब इसमें चाहे जितनी भी घात लग जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स की पावर यन प्लस 3 एक्स वाई प्लस 1 इक्वल जीरो, और यहाँ पर भी आप यन लगा सकते हो, यन मतलब कि इनकी घातें कुछ भी हो सकती हैं। जैसे यक्स की पावर यहाँ 20 लिख दिया, प्लस 3x पावर 7 वाई की पावर 9 प्लस 1 इक्वल जीरो, यन का मान कुछ भी रख दीजिए आप, अलग अलग हो सकता है। तो ये समीकरण का मुख्य मुख्य प्रकार था।
अब देखेंगे द्विघात समीकरण का प्रकार होता है, यानी कि इसके भी लड़के बच्चे होते हैं, इस प्रकार से समझिएगा। ये तो चार मुख्य हैं, ठीक ना। अब इनके भी कुछ पार्ट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम आपको दिखाएंगे। अगर पूरा क्लास देख लेंगे तो समीकरण से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। देखिए द्विघात समीकरण के भी दो बच्चे हैं, अब एक प्रकार से समझिएगा बच्चे का मतलब, यानी कि ये दो प्रकार का होता है। अभी तो आपने इनके चाचा दादा के बारे में देख लिया जो चार प्रकार के थे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध मतलब यानी अब आप समझ गए होंगे, वैसे तो आजकल दुनिया में कुछ चीज़ शुद्ध है नहीं, दूध से लेकर के सब्जी, अंडा, मांस, मछली जो भी आप लोग लेते होंगे, खाते होंगे, हर चीज़ क्या आ रहा है, शुद्ध ही आ रहा है। लेकिन हम इसमें शुद्ध की भी बात करेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें आसानी से मान निकल जाए, कोई ज़्यादा झंझट लफड़ा ना करना रहे, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस या फिर यहाँ पर लिख लो आप माइनस 49 बराबर 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। और एक अगर हम आपको दूसरा लिख के दिखाएं, यक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस 1 इक्वल 0, ये अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध नहीं बोलेंगे, एक प्रकार से मिश्रित या मिश्र, इसका मतलब समझिएगा। इसमें अगर आपको यक्स का मान निकालने को कहा जाए, यक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल 0 में, तो इसे आप लिखेंगे चुपचाप इतना ना, और उसके बाद इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा और यक्स का मान फटाफट बिना ज़्यादा किसी झंझट के आप साथ पा जाएंगे। लेकिन क्या इतनी जल्दी उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें क्या करना होगा, या तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, या फिर आप बीच वाले पार्ट को जो है उसको दो भाग में तोड़ करके तब यक्स का मान निकालेंगे, और वो भी यक्स का मान शुद्ध नहीं आएगा। शुद्ध का मतलब अभी जब आप इसको फाइनल में करोगे तो यक्स प्लस 1 या यक्स प्लस 2 कुछ इस तरह से आएगा। देखिए हम आपको इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 3 आए, ये तो आसानी से नहीं हल होने वाला है। हम आपको आसानी से हल होने वाला मिश्र द्विघात का समीकरण हल करके दिखा देंगे। जो लिखे थे ये भी हल होगा, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसमें लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य का सूत्र। तो जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए, ये हो सकता है। अब ध्यान से देखना, यक्स स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 3 आए मतलब 2 + 1 इंटू यक्स प्लस 2 = 0, और गुणा करने पर आए 2 मतलब 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा और जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यक्स प्लस 2 = 0, यहाँ पे आप यक्स कामन लोगे, x प्लस 2 1 कामन लेंगे, यक्स प्लस 2 = 0, आपको मिलेगा यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 1 = 0। यानी कि जब आप इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो माइनस 2 आ जाएगा एक वैल्यू और एक वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। यानी इसमें देखिए एक ही पद के दो दावेदार हैं, मतलब इसमें दो चीज़ का मिलावट किया गया है, ये अशुद्ध है एक प्रकार से मान लीजिए, समझ गए ना। मतलब ये मिश्र द्विघात समीकरण है, यक्स का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग है। जैसे आप देख लीजिए कोई भी खाद्य पदार्थ आप देख लीजिए, जैसे दूध ले लीजिए मानते हैं, तो ये क्या है, शुद्ध है एक प्रकार से, मतलब इसमें कोई बाहरी चीज़ नहीं मिलाया गया है। और ये क्या है, मिश्र है। जैसे मान लीते हैं कुछ लोग पाउडर वगैरह मिला देते हैं, या बहुत सी चीज़ दूध में मिलावट होता है, आप लोग जानते होंगे, तो बाकी काफ़ी समझदार हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या आया था, अभी हमने निकाल के दिखाया था, सीधा सीधा 7 आया था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, दूसरा कोई दावेदार नहीं था। लेकिन इसमें देखिए -2 और -1 दोनों आ रहा है। इस तरह का जो समीकरण होता है वो मिश्र होता है, और जो ऊपर वाला लिखा गया वो शुद्ध होता है। ये इनके दो प्रकार थे। देखिए साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का जो शुद्ध समीकरण है। भाई शुद्ध में तो कोई झंझट नहीं होता, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी रूल नहीं लगाना है। जैसे अगर यक्स स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे 36 दिया है बराबर 0, तो आप यहाँ यक्स का मान प्लस माइनस 6 निकाल लोगे आसानी से। लेकिन लफड़ा इसमें होता है। इसको निकालने की 3 विधियाँ हैं, इनके मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बना करके, और एक श्रीधराचार्य बाबा के सूत्र द्वारा, समझ रहे ना। तो वो तीनों विधियों की बात करेंगे हम अगली क्लास में, आपको बता दें। इस समय आप 9:30 बजे से DLED की क्लास देख रहे हैं। तो साथियों इस समय आपको मालूम है कि हम दिल्ली में हैं, और 31 तारीख को कॉन्फ्रेंस था YouTube का और उन्होंने बुलाया था हमें, तो इस वजह से आपकी 10:15 वाली क्लास नहीं चलेगी,
और आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन 9:30 वाली हमारी कोशिश होगी आपको क्लास दोनों दिया जाएगा, मतलब अगले दिन भी मिलेगी, हर दिन मिलेगी। संडे सैटरडे नहीं होती है, संडे सैटरडे आपको कुछ अलग क्लासें मिलती हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है। तो याद रखना टाइम 9:30 बजे से पहली क्लास और 10:15 बजे से दूसरी क्लास। दो सेमेस्टर की क्लास इसमें होती है, दो सेमेस्टर इसमें होती है, इस तरह से चारों सेमेस्टर आप पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आप चाहें तो इन क्लास को अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं पूरा घर बैठे कहीं से भी। उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा और मात्र 549 रुपये यानी कि 549 का पेमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, भाई पैसा क्यों दें, तो बिल्कुल मत दीजिए, ऐसे यूट्यूब पर देखते रहिए जो मिल रहा है। इस तरह से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए और यूट्यूब पर जो मिले उसे देखते रहिए, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मिले आपको, ना कहीं ढूंढना खोजना ना पड़े, तो आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। सिर्फ एक बार पे करना होगा, कोई मंथली चार्ज नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, और आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास मिलेगी फिर से आपका शेड्यूल के अनुसार। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखते रहिएगा, जिससे आपको टाइम का मालूम हो सके और आप पढ़ सकें घर बैठे। दोस्तों को शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक करके जाइएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।